ईटीओ डॉक्टर नवजोत सिमी ने 735वें रैंक नाल पास की यूपीएससी की प्रीख्या। बीते दिन ऐलाने गए यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रीख्या के नतीजे विचों जिला गुरदासपुर की डॉक्टर नवजोत सिमी पुत्री हंसराज ने पूरे भारत विचों 735वां रैंक हासिल किया है। अज अपने निवास स्थान पर परिवारिक मैंबर समेत गलबात करद डॉक्टर सिमी ने कहा कि उन्होंने मापिया की सख्त मेहनत का फल अज उन्होंने यूपीएससी की प्रीख्या पास करने के रूप में मिलया है। सर मैं यही कहना चाहवागी कि एक तो मैं रब की बहुत ज़्यादा धन्यवाद है कि मैं यह मौका मिलया एन ऑपरचुनिटी मिली इस एग्जाम लिए प्रिपेयर करन दी ते क्योंकि बहुत सारे लोगों चाहते हुए भी ऑपरचुनिटी नहीं मिल पाती तो मैं यह कहना चाहवागी कि मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद है कि मैं ऑपरचुनिटी मिली तो रब की दया ना मैं अपनिया अपने गोल तक पहुँच पाई तो अपनिया तो अपन घर वाले की उम्मीदा तो खरी उतर पाई इस करके मैं इस चीज़ ना काफ़ी संतुष्टि प्राप्त हुई। पिछे मैं कहूँगी मेरे माता पिता मेरी फैमिली मेरी इमीजिएट फैमिली मेरे फ्रेंड्स मेरे टीचर्स सारियां का बहुत ही वड्डा योगदान है तो सब तो वड्डा तो मतलब मैं रब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहवागी कि उन्हों की कृपा तो बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता सी सो इस करके सारियां दी यह रली मिली मेहनत का नतीजा है। जिक्रयोग है कि डॉक्टर नवजोत सिमी मोहाली विखे ईटीओ वजो सेवावान निभा रहे हैं। डॉक्टर नवजोत सिमी की शानदार उपलब्धि से उन्होंने परिवारिक मैंबर ने उन्हों का मूँह मिठा करवाया। इस मौके डॉक्टर सिमी के माता पिता ने कहा कि अपनी बेटी की उपलब्धि से उन्होंने माण है। जी मैं अपने एक पिंड रहने वाले पिंड मुढ़ली सिक्ख्या प्राप्त की दसवीं तक पंजवीं चा छेवीं चा आके आप इंग्लिश का एक ए बी सी का कहना पढ़ना सीख्या उस तो बाद ही असी बैंक जॉब लग गई तो बैंक तो बाद फिर हौली हौली थोड़ा शिफ्ट किया शहर मूव किया बच्चे छोटे सीगा लैके एक मैं सपना लैके चलिया ही भी हाँ यार आम लोगों के बच्चे इन्नी कोई आई एस आ कोई पी सी एस आ यार मेरा बच्चा भी कभी कोई बनेगा मेरा भी कोई सपना पूरा कर सकेगा तो यह आप चलो मैं शहर आके मैं अपने एक कला इंपलाई होने के नाते हाँ मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिता उन्होंने घर बहुत मेहनत की आ कपड़े भी सीते पार्लर का काम भी किया बच्चों पूरा सहयोग दिता उन्होंने चंगा खाना दिता तो उन्होंने हर तरह की सहूलत दिती तो अपने सिर पर उन्होंने बहुत कुछ ही बच्चों का साथ दिता अज उन्होंने साथ करके ही मैं इतों तक अपने मुकाम पर पहुँचा हूँ मैं एक बैंक का सीनियर मैनेजर रिटायर हो रहा तो बेटी ने मैं बहुत तगड़ा एक गिफ्ट देता मेरे रिटायरमेंट तो पहले मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लड़के हो चाहे लड़कियाँ घर बच्चे उन्होंने सबनों माँ प्यो की मेहनत का फल समझना चाहिए जिस तरह माँ प्यो मेहनत करते हैं उन्होंने बच्चों समझना चाहिए भी वह अं की रिजल्ट देना वा किस तरह मेहनत करनी है जिस तरह लड़के आ उन्होंने नशिया का इन्ना चलता पैना पंजाब जिदे करके मम्मी पापा बहुत दुखी ने बहुत चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो जिन चर बच्चा ना स्टैंड होएगा तो उन्न चर माँ प्यो की मेहनत तो कोई कम नहीं भाएँ करोड़ों रुपया होए भाएँ अरबा रुपया होए बाकी रही लड़कियों की गल लड़के तो लड़के बिल्कुल बराबर आ उन्होंने बिल्कुल बराबर समझना चाहिए ये नहीं भी दस जमात पढ़ा लो तो उन्होंने विह दो तो उन्होंने काम खत्म हो जाए बोझ समझते बहुत ज़्यादा लोग बोझ समझते बच्चियों लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं समझती मैं हर एक यो कहूँगी भी भाएँ अमीर हो जितों तक कोशिश हो गए लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ाओ अपने पैरों पर स्टैंड हो जाए आने वाली जिंदगी अपने जो विह भी हो जाए अपने पति का भी साथ दे जिन्ना दे सके दे पढ़ी लिखी होएगी तो ही वो काम काज भी कर सकेगी जो नौकरी ना मिलेगी वो काम काज भी ही कर सकेगी जो पढ़ी लिखी होगी एक शहर तो दूसरे शहर जा सकेगी बाजार तक जा सकेगी हर रस्ते का उन्हें पता होएगा इस तरह तो जे पढ़ेगी ना कुछ करेगी ना तो वह तो फिर रोटियां पकाने जोगी रह जाएगी घर में वो बिल्कुल इन्ना को सिर पर बोझ पै जाएगा ना जी वो किसी को दस भी नहीं सकेगी जे पढ़ी लिखी होगी तो अपनी मन की गल कदी तो कभी दसेगी